भारत की ऐतिहासिक धरोहर शनिवार वाड़ा किला पुणे महाराष्ट्र का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। हिंदुस्तान के अन्य कोनों में भले ही लोग शनिवार वाड़ा के बारे में ना जानते हो, लेकिन मराठी लोग इसके बारे में बखूबी जानते हैं। दरअसल यह एक ऐतिहासिक महल है जो कभी मराठा साम्राज्य की आन बान और शान हुआ करता था, लेकिन आज से करीब 246 साल पहले इस महल में एक ऐसी घटना घटी थी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इस घटना की वजह से ही लोग इस महल को रहस्यमय मानते हैं। यह किला भारत के सबसे डरावनी जगहों यानी टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया में शामिल है। तो चलिए जानते हैं शनिवार वाड़ा की वो रहस्यमय कहानी जो लोगों को आज भी डराती है। शनिवार वाड़ा महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, जिसका निर्माण मराठा पेशवा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले बाजीराव पेशवा ने कराया था। वर्ष 1732 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। कहा जाता है कि उस समय इसे बनाने में करीब 16,000 रुपए खर्च हुए थे। तब के समय में यह राशि बहुत अधिक थी। उस समय इस महल में करीब 1,000 लोग रहते थे। कहते हैं कि इस महल की नींव शनिवार के दिन रखी गई थी, इसी वजह से इसका नाम शनिवार वाड़ा पड़ा था। करीब 85 साल तक यह महल पेशवाओं के अधिकार में रहा था, लेकिन 1818 ईस्वी में इस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया और भारत की आजादी तक यह उनके ही अधिकार में रहा। आपको बता दें कि 18वीं सदी में यह किला भारतीय राजनीति का प्रमुख केंद्र माना जाता था। ऐसी मान्यता है कि बाजीराव के बाद इस महल में राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो गया था। इसी राजनीतिक दांवपेच और सत्ता की लालच में 18 साल की उम्र में नारायण राव की हत्या इस महल में कर दी गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी अमावस्या की रात महल से नारायण राव की दर्द भरी आवाजें सुनाई देती हैं, जो बचाओ बचाओ चिल्लाती हैं। नारायण राव नाना साहब पेशवा के सबसे छोटे बेटे थे। अपने दोनों भाइयों की मृत्यु के बाद नारायण राव को पेशवा बनाया गया। नारायण राव को पेशवा तो बना दिया गया, लेकिन उम्र कम होने की वजह से रघुनाथ राव यानी रघुभा, जो उनके चाचा थे, उनको संरक्षक बनाया गया और शासन संचालन का अधिकार भी राघुभा के हाथों में ही रहा। लेकिन इस व्यवस्था से राघुभा और उनकी पत्नी आनंदीबाई खुश नहीं थे। वे सत्ता पर पूर्ण अधिकार चाहते थे। राघुभा की इस हसरत की भनक नारायण राव को लग गई और दोनों पक्षों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इसी बीच राघुभा ने सुमेर सिंह गर्दी, जो भीलों का सरदार था, उसे पत्र लिखकर रघुनाथ राव को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन इस पत्र को आनंदी बाई ने बदलकर नारायण राव को मारने के हुक्म में बदल दिया। समर सिंह और नारायण राव के संबंध कुछ खास अच्छे नहीं थे, इसलिए सुमेर सिंह गर्दी ने नारायण राव पर हमला कर दिया और इससे घबराकर नारायण राव काका माला बचावा पुकारते हुए महल में भागा, लेकिन सुमेर सिंह ने अपनी तलवार से नारायण राव का अंत कर दिया। कहते हैं हत्या के बाद उसके शव को नदी में बहा दिया गया था। कहा जाता है कि आज भी उनकी आत्मा इस किले में भटकती है और अंतिम घड़ी में उनके द्वारा ली गई चीखें आज भी इस किले की चार दीवारों में गूंजती है। आज भी नारायण राव अपने चाचा राघुभा को पुकारते हैं, काका माला बचावा। शनिवार वाड़ा से जुड़ा एक और रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। वर्ष 1828 में इस महल में भयंकर आग लगी थी जो 7 दिनों तक जलती रही थी। इसकी वजह से महल का बड़ा हिस्सा जल गया था। अब यह आग कैसे लगी थी, यह आज भी एक सवाल ही बना हुआ है। इसके बारे में कोई नहीं जानता। इस महल में ऐसे कई स्थान हैं जिसे देखने के लिए हर दिन हजारों सैलानी भी घूमने के लिए महल आते हैं। 1828 में किले में लगी आग में यह इमारत नहीं बची। वर्तमान में इसका पत्थर से निर्मित आधार शेष है। इसके अतिरिक्त कुछ छोटी इमारतें भी शेष है। शनिवार वाड़ा की मुख्य इमारत के निर्माण के बाद समय समय पर किले के कई अन्य इमारतों, जलाशयों और लोटस फाउंटेन का निर्माण करवाया गया।
शनिवार वाड़ा किले में होने वाला लाइट एंड साउंड शो काफी प्रसिद्ध है। यह शो यहाँ के मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिसे देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। यह शो हर शाम को मराठी और अंग्रेजी भाषा में आयोजित होता है, लेकिन रात के समय यहाँ जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।